लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने अपने आवास पर एक बैठक की। इस बैठक के बाद ममता बनर्जी ने राज्य की 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ममता ने कहा कि इस बार टीएमसी ने 40.5% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, यह उनके लिए गर्व का विषय है।